अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है व्यूअर्स? उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, अल्लाह की रहमतें और बरकतें समेट रहे होंगे, अल्लाह की नेमतों से लुत्फ़ानंदोज़ हो रहे होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके रिस्क में बरकत दे, आपके खानों का ज़ायका सलामत रखे, आपको ईमान और तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह की नेमतों में से ये नेमतें भी हमारे पास हैं, जिसमें स्लाइस हैं, अंडे हैं, और साथ में मैं आमलेट बनाने लगी हूँ स्लाइस के साथ, बाद में उसको स्लाइस के ऊपर लगा दूँगी, जिसमें खजूर है, शिमला मिर्च है, चिकन और प्याज और टमाटर है, अंडे हैं स्लाइस, ये चीज़ स्लाइस है। अंडा तो 20 रुपए का है, लेकिन फिर भी हमने मंगवा लिए हैं कि चलो। और ये जैतून का तेल है, मैं इसके साथ बनाऊंगी। हाँ जी, ये मैं ऑयली ऑयल डाल इसमें डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाह। अंडे मैं बीट कर लेती हूँ, एक जर्दी मैं इसमें से निकाल देती हूँ, क्योंकि मैं दो जर्दियाँ नहीं इस्तेमाल करती। और इसको मैं बीट करती हूँ, तो फिर इसमें ये जो चीज़ें मैंने कटिंग करके रखी हुई हैं वो इसमें कर डालूँगी। इसमें थोड़ी सी हल्का सा नमक डाल दूँगी, सुरख मिर्च कुटी हुई डाल दूँगी, चिकन मैंने बॉईल करके तो उसमें मैश करके रख कर दिया था, खजूर मैंने इसलिए डाली है कि मैं चाय में चीनी नहीं देती, इसलिए मैंने खजूर इसमें डाल दी है। अब नमक और मिर्च मैं उसी में मैंने इसमें शामिल कर दिया करके, तो मैं फ्राई पैन ऊपर थोड़ा सा इसका करके फिर मैं स्लाइस ऊपर लगाऊंगी। ये स्लाइस मैंने इसके ऊपर लगा दिया है, अब ज़रा ये नीचे से सीख जाता है, तो मैं इसको दूसरी कटिंग कर लेती हूँ डिश में रख के। और साथ में मेरी चाय भी तैयार हो गई है। चलिए, हमारा चीज सैंडविच तैयार हो गया है, इसमें चाय भी तैयार हो गई है। और इसमें मैं अपने रूम में जाके इसको नाश्ता करूँगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।